हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज से पहले हम ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड जितने भी फीचर्स थे वो सब देख चुके हैं। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो ब्रेस्ट का काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लिम्फेटिक ड्रेनेज डिस्कस कर लेते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज डिस्कस करने के लिए आपको दो चीजें डिस्कस करनी है इसके अंदर। एक तो लिम्फ नोड्स का पता होना चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर पूरा लिम्फ जो है वो ड्रेन किया जाएगा। एंड किसके थ्रू ड्रेन किया जाएगा, वो है लिम्फेटिक वेसल्स। तो इन दो पॉइंट्स को आपको डिस्कस करना है, सबसे पहले लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। अगर हम बात करें लिम्फ नोड्स की, तो लिम्फ नोड्स होते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ठीक है, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, सुप्रा क्लेविकुलर, सिफेलिक, सब डायफ्रेमेटिक। लेकिन जो मेजर पार्ट है, मेजर रोल है, वो आप थ्री टाइप से कैसे पढ़ सकते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स, ठीक है। उसके अलावा कुछ एडिशनल होते हैं, जैसे सुप्रा क्लेविकुलर है, सब डायफ्रेमेटिक है, सिफेलिक, तो ये लिम्फ नोड्स भी हैं। जो मेजर पोर्शन है लिम्फ का, अप्रॉक्स 99% लिम्फ हम बोल सकते हैं, 99.9 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 75% लिम्फ फ्रॉम ब्रेस्ट ड्रेन होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में, ठीक है, 20% ड्रेन होता है इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स में एंड 5% लिम्फ ड्रेन होता है पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड्स में। तो 75, 580 एंड 100% लिम्फ ऐसे तो ड्रेन हो ही चुका है, लेकिन कुछ पोर्शन, कुछ लिम्फ नोड्स एडिशनल हैं जो कि लिखे हुए हैं, सब डायफ्रेमेटिक, सिफेलिक एंड सुप्राक्लेविकुलर। तो देखिए, सब एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो वो 75% लिम्फ जो है ब्रेस्ट का वो उन्हीं में ड्रेन कर रहा है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में। एंड इसके 5 ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये डिवाइडेड है 5 ग्रुप्स में। 5 ग्रुप्स में कैसे डिवाइडेड है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। इंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, लेटरल, सेंट्रल एंड एपिकल, ठीक है, पोजीशन जहां जहां है। देखिए, इस डायग्राम मैंने यहां पे बनाया हुआ है, तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं एपिकल एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, सेंट्रल एक्सिलरी, लेटरल एक्सिलरी जो सबसे लेटरली है, ठीक है, पोस्टीरियर जो सबसे पोस्टीरियरली लोकेटेड है, पोस्टीरियर एक्सिलरी, एंटीरियर मतलब जो सामने की तरफ लोकेटेड है, एंटीरियर एक्सिलरी। एंड उसके अलावा, उसके बाद अगर हम इंटरनल मेमोरी की बात करें, तो ये है इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स। यहां पे हमने इंटरनल मेमोरी ब्लड वेसल्स भी पढ़ी थी। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल हम देखें तो पोस्टीरियर लिम्फ नोड्स जो है वो सामने से नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ये एंटीरियर व्यू बनाया है, तो वो पोस्टीरियरली लोकेटेड होते हैं। सुप्रा क्लेविकुलर आपको इस डायग्राम में दिख रहे होंगे, क्लेविकल के जस्ट ऊपर, ठीक है। तो ये लिम्फ नोड्स हैं जिनके अंदर जितना भी लिम्फ होता है मेमोरी ग्लैंड का वो ड्रेन होता है। ये एक साइड मैंने बनाई है, सेम दूसरी साइड में भी होगा। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें लिम्फेटिक वेसल्स, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल्स जो है, एक तो होती है सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स और एक है डीप लिम्फेटिक वेसल्स। जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो कौन कौन से एरिया को ड्रेन करती हैं मेमोरी ग्लैंड के को, तो वो ड्रेन करती हैं जो स्किन है मेमोरी ग्लैंड के ऊपर। हमने देखिए पढ़ा था, मेमोरी ग्लैंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, स्किन, पैरेन्काइमा एंड स्ट्रोमा। तो जो स्किन वाला पोर्शन है, ठीक है, जिसको कौन ड्रेन कर रहा है, सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स ड्रेन करेंगे। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि जो स्किन के ऊपर एरियोला एंड निप्पल वाला जो पोर्शन है उसको ये ड्रेन नहीं करते, ठीक है। तो इट ड्रेन सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स ड्रेन्स लिम्फ फ्रॉम स्किन ओवर द ग्लैंड एक्सेप्ट निप्पल एंड एरियोला, और निप्पल और एरियोला को फिर डीप लिम्फ वेसल्स ड्रेन करेंगे। पेरेन्काइमा ऑफ ब्रेस्ट प्लस निप्पल एंड एरियोला, ठीक है, तो डीप लिम्फ वेसल्स जो है वो ड्रेन करेंगे पेरेन्काइमा ऑफ ब्रेस्ट प्लस निप्पल एंड एरियोला। अब इसके अंदर एक क्लिनिकल पार्ट है, वो क्या है कि जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स हैं
अगर उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी वजह से हो सकता है, कैंसर सेल्स की वजह से हो सकता है, या फिर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे इडीमा हो जाएगा, ठीक है, और उसको एक अपीयरेंस मिलेगा, ऑरेंज लाइक अपीयरेंस, एक जो कि जिसको जिस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्यू डी ऑरेंज, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल में पूछा जा सकता है कि सुपरफिशियल या डीप में से किसके ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से प्यूरी ऑरेंज हो सकता है, तो वो होती है सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स के ऑब्स्ट्रक्शन से, ठीक है, जो कि किसी भी टाइप के कैंसर से हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट, इसके अंदर हमने लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स पढ़ी है अलॉन्ग विद द डायग्राम। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कैसी वीडियोस आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अपर लिम्ब के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबकी प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है अपर लिम्ब की, तो उसके अंदर सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। अगर ये फ्लो चार्ट आपको चाहिए तो ये इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे @medicalnotes292, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।